रेस्टोरेंट, जब आप रेड टूर लेते हैं तो आपका जो खाने का स्टार्टिंग होती है वो इसी जगह से होती है। अगर आ दो मैं आलू नहीं, आलू नहीं, आलू भाई ये क्या ये टूटा हुआ गेहूँ है बल्गर राइस आलू भी है। वाओ, यू हैव द आलू फिश। ओके, तो गाइज अभी आपने देखा अंदर हमने किया लंच और ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हान रेस्टोरेंट, यू कैन सी देयर। और बेसिकली एक स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है जहाँ पर जितने भी टूर्स होते हैं टूर गाइड्स आपको यहीं पर लेकर आते हैं। बुफे सिस्टम और यहाँ पर इनका सबके लिए ओपन है, जो भी ग्रुप में आता है जो भी चाहे वो खा सकता है। बहुत सारी वैरायटी थी बट सच बताऊँ कम से कम 10 से 15 तरीके के आइटम थे, लेकिन अपने इंडिया वाली किसी भी बात नहीं थी। हालांकि दाल चावल थोड़े अच्छे लगे, स्वीट्स थी लेकिन स्वीट्स भी अलग ही तरीके की हैं बिल्कुल। तो खाना था, वैरायटी थी, लेकिन अब खाने का निरादर नहीं करना चाहिए बट उतना मज़ा भी नहीं आया जितना वैरायटी होती। अगर ये इंडिया में होता और इतनी वैरायटी होती तो मज़े आ गए होते। खैर बारिश आ रही है, मैं कैमरा रखता हूँ अंदर, अभी हम शायद मिलेंगे रेड रिवर के पास, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। और अभी लंच ख़त्म। Guys, lovely weather is chasing us now. और मौसम हमारे पीछे पीछे हमें ठंड की याद दिलाते हुए। अभी हम एवनॉस में हैं लेकिन बारिश हो रही है तो बाहर तो नहीं जा पाएंगे। The river water is not red, but the river bed, which is made up of the red soil, make this river red. Guys, तो अभी हम हैं डेरबेंट वैली पर जिसका नाम है इमेजिनेशन वैली। और आप यहाँ पर कुछ कुछ इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि सामने आपको एक कैमल नजर आ रहा होगा। मेरा इंटरेस्ट इनमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है इस इरोडेड मटेरियल में। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे ये रॉक्स के सामने पत्थर, थोड़े थोड़े से पत्थर ऊपर रखे हुए हैं। लुक एट दिस, ऊपर से इरोजन, नीचे से इरोजन हो गया लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक पार्ट दिख रहा है। तो ये हमें लाइक लाइफ में पड़ा है, अब देखने को मिल रहा है। ऑसम, एंड इट्स ऑल अराउंड एवरीवेयर, लुक एट दिस। बारिश हो रही है लेकिन वीडियो बनाने के लिए बाहर आना था तो मैं गाइस बिल्कुल ऐसे ही लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पर इरोशन की वजह से। एंड इसे कहा जाता है मॉन्क वैली या फिर फेरी चिमनीज, जैसे फेरी लैंड में चिमनीज होती हैं बिल्कुल वैसी ही चिमनीज यहाँ पर बनी हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन तरह का इरोजन हो रहा है। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये तीन तरह के इरोजन से बनी है। एक है लेटरल लैंडफॉर्म इरोजन जो कि पानी की वजह से हो रहा है और ये जो रॉक फॉर्मेशन है ये कट हो रही है। दूसरा साइंटिस्ट से इसकी यहाँ पर कभी कोई लेक थी तो उसने वाटर ने यहाँ पर इरोजन किया, जो आप यहाँ पर बीच में कट देख रहे हैं लाइक अ रेजर शार्प कट। और जो तीसरा पोर्शन आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये वाला, ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे बेस खत्म हो रहा है। दिस वन इज बिकॉज ऑफ द एयर, हवा, हवा धीरे धीरे इस जगह को काटती जा रही है और आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू लूज द अपर पार्ट, बॉडी चली जाएगी एंड द कोन विल रिमेन देयर। और तैयार आ गई दुर्गा की जान, आप सबके सामने हाजिर है फेरी चिमनीज में। फेरी चिमनीज में फेरी देखने आई है। फेरी चिमनीज में एक फेरी चिमनीज देखने आई। अच्छा, इस जगह को फेरी चिमनीज भी बोलते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ नेहा को। आ जाओ, बहुत टाइम पहले जब लोगों को यहाँ पर नहीं पता था कि इरोजन क्या होता है और इरोजन के क्या लॉजिक्स होते हैं, तो वो लोग कहते थे कि ज़मीन में से फेरी आती है रात को और वो इन हिल्स को निकालती है और फिर वो ये चिमनीज हैं और जो फेरीज ने बनाई हैं, बिकॉज उनको पता नहीं था व्हाट इज़ इरोजन, दैट्स व्हाई द पीपल यूज टू कॉल इट फेरी चिमनीज, अदरवाइज इट्स सिंपल ज्योग्राफिकल फिनोमेना। आने वाले 10 सालों के अंदर ये जो ऊपर की रॉक है इसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। वी कॉल इट टूफा, इस नीचे वाले पार्ट को टूफा बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को बेसाल्ट, यहाँ पर बेसाल्ट बोलते हैं, वैसे हम लोग बेसाल्ट रॉक बोलते हैं इसको, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी और फिर ये ऊपर वाला टॉप गिर जाएगा। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो ऐसा हो चुका है, ये जो साइड में दूसरी वैली, ये जो दूसरा पॉइंट है
इसकी बॉडी खत्म होने के बाद इसका टॉप गिर चुका है। कुछ ऐसा है ये जगह, पीछे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऑसम टाइम टू से गुड बाय टू द गोरेमे कैपेडोकिया डे 11 एंड्स टुडे एंड वी आर गोइंग बैक टू इस्तांबुल। It's raining here, guys. Actually, the Cappadocia is crying because we are leaving it. How cheap. So, guys, time to say bye. अभी हमारी है बस इस्तांबुल की कामिल कोच से, पूरा कामिल कोच उधर 8 बजे की बस है और सुबह 8 बजे में इस्तांबुल पहुंच जाएगी और सुबह हम इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। Actually, हम फ्लाइट भी ऑप्ट कर सकते थे। हाँ। But we didn't. We opted for the bus. Reason for this? It is more comfortable. अभी हमारी बोर्डिंग हो रही है। Bye. और यहाँ पर बसेस में भी ऐसे टैग लगाए जाते हैं, so that कोई किसी का पहले टैग लगाया, उसमें से निकाली एक चिट, वो दी कस्टमर को और फिर वो लगेज अंदर रख देते हैं। जैसे कि हमारा ये बैग है, इसमें अभी हम कामिल कोच से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कामिल कोच टैग लगाया और बैग रख दिया। अब जब आपको बैग वापस देना होगा तो वो टैग दिखाओ और बैग वापस दे दो। और जो बस है वो है ये, हाँ, ह्यूज क्रूज लाइनर टाइप ऑफ बस जिसमें 2:1 के रेशो से सीट्स हैं। और अब ये बस हमें लेके जाएगी इस्तांबुल जो कि 9 बजे चलेगी। लुक एट द साइज ऑफ द बस।